हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज मैं बताऊंगा पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है वो किस तरीके से मार्केट कर सकती है। इस टाइम पे मेरे हिसाब से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो गलत तरीके से मार्केटिंग कर रही है। सबके मुद्दे अलग तरीके से चल रहे हैं, सबकी टारगेटिंग अलग तरीके से चल रही है और मैं मार्केटिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं तो मेरा हक बनता है कि ये चीज बताना कि यार किस तरीके से मार्केटिंग असली में करनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहले मार्केटिंग की चीज होती है उसको कहते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी टारगेट ऑडियंस को समझो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या कर रही है, वो मास मार्केटिंग कर रही है। मास मार्केटिंग का मतलब वो बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, या कोई पार्टी कर रही है फ्री की मार्केटिंग, मैं फ्री पानी दूंगा, फ्री बिजली दूंगा। भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो डेफिसिट के अंदर चल रही है और डेफिसिट के चलने में अगर कोई चीज फ्री देते हैं वो पैसा कहां से आएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट था पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस चीज को उठाया ही नहीं, कोई इस चीज को टारगेट ही नहीं कर रहा है क्योंकि सबका बस मुद्दा चल रहा है कि हमारा जो मास मार्केटिंग का टॉपिक है हम उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अभी बात चल रही है ब्रांड एम्बेसडर मार्केटिंग, मतलब हम मोदी को वोट दे रहे हैं या फिर केजरीवाल को वोट दे रहे हैं या फिर राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं, बेसिकली जो भी चेहरा है ब्रांड का उसके पीछे दे रहे हैं। पर लॉजिकली जो काम करता है वो कौन करता है, जो कि मेरे यहां से जीतता है। तो जैसे मांग के चलते हैं, दिल्ली इलेक्शन हुआ, दिल्ली इलेक्शन के अंदर 70 सीटें थी तो बात करी गई कि हम केजरीवाल को वोट देंगे या फिर बीजेपी को वोट देंगे, बात ये चल रही थी। पर जो 70 वोट थी, जो 70 सीटें थी, अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट आपके घर पर जाता और आपकी प्रॉब्लम्स को सोचता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, हर एक बंदे की नीड नहीं थी फ्री पानी। आप बताओ, अगर आप दिल्ली वाले हो तो ईमानदारी से बताना, क्या आप फ्री पानी से खुश हो? शायद आपको इतना फर्क भी नहीं पड़ता उस चीज से, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यार मुझे साफ पानी मिलना चाहिए, या फिर आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे 24 घंटे पानी मिलना चाहिए। पर हर इलाके की अलग अलग नीड थी, उस चीज के ऊपर किसी ने टारगेट नहीं किया। तो क्या करना चाहिए था, एक पॉलिटिकल पार्टी के जैसे 70 पार्ट्स है तो 70 पार्ट्स में इंडिविजुअल कैंडिडेट जाता और वो वहां की स्पेसिफिक नीड को जानता कि वो जो वहां का जो भी बंदे थे उनको क्या चीज की जरूरत है और उनको जो चीज की जरूरत थी उनको वो चीज प्रॉमिस करी जाती कि हम आपको वो चीज देंगे। और थ्रू आउट वो जो भी आप काम कर रहे हो, केजरीवाल ने क्या किया दिल्ली के अंदर, उसने जो भी काम किया, बेसिकली देखा जाए तो दिल्ली इलेक्शन के अंदर दो ही बड़े मुद्दे थे, कहा जा रहा था हमने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और हॉस्पिटल्स वाले का ऊपर काम किया, पर इस चीज को मार्केट बहुत अच्छे तरीके से किया गया। चीजें और भी थी, बहुत कमियां भी थी जो कि जिसके ऊपर काम हो सकता था, पर उन्होंने मार्केट इतने तरीके किया कि हमने ये दो चीजें करी है देखो, हमने ये दो चीजें करी है देखो। तो करेंटली मैं दो पार्ट के अंदर बात कर चल रहा हूं, जो पार्टी जीत चुकी है उनको भी मार्केटिंग करनी चाहिए और जो पार्टी हार गई है उनको भी मार्केटिंग करनी चाहिए। ये रातों रात मार्केटिंग का तरीका नहीं है कि आपने अभी इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन आने से दो महीने पहले मार्केटिंग शुरू करी और काम हो गया। अगर प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करनी है, अगर आपको सामने वाले जो भी आपके कस्टमर है, मैं कस्टमर ही मान के चल रहा हूं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है एक तरह से कंपनियां बन चुकी है और हम उनके कस्टमर्स है, तो हमारे कस्टमर्स को हमको थ्रू आउट ब्रांडिंग करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जो जीत गया उसको क्या करना है, जो केजरीवाल ने किया, हम जो भी काम करते हैं उस जगह के लिए, अगेन मैं कह रहा हूं हमको 70 सीटों की ग्लोबल मार्केटिंग नहीं करनी। अगर हम एक जगह के जीते हुए बंदे हैं तो हमने उस जगह के अंदर क्या किया, हमको वहां की ऑडियंस को अवेयर कराना है कि देखो हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए ये किया। साथ में मेरा एक छोटा सा सजेशन है जो कि अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वो है व्हाट्सएप ग्रुप। अभी क्या होता है, हमको पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस में जाना पड़ता है अगर हमको कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए कि एक व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां पे अगर आप मैसेज करते हो और अपनी प्रॉब्लम कहते हो तो हमारा बंदा आपके घर पे आएगा और आपकी प्रॉब्लम को समझेगा। एक बंदा ही तो रखना पड़ेगा, अगर वो प्रॉब्लम, बहुत सारे मैसेज नहीं आने वाले, पर अगर उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमने हायरार्किकल ग्रुप बना रखे हैं, जैसे कि हम 70 सीटों की बात करके चलते हैं तो एक सीट का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, या फिर मैं कह सकता हूं एक सीट के भी 200 व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, वहां से घूम फिर के एक टॉप लेवल के ऊपर बात पहुंचेगी, उसके बाद और ऊपर लेवल पर जाएगी और ऊपर लेवल पर जाएगी और वो चीज एग्जीक्यूट करी जाएगी। अगर आपने अपने जगह के बंदों की बात सुनी और उनको रिजॉल्व किया तो अगली बार आप पक्का आओगे, क्योंकि आपने कोई कमी पेशी का कोई मौका नहीं छोड़ा, आपने उनके दिमाग में ब्रांडिंग कर दी है और उनको पता है कि आपसे बढ़िया कोई है नहीं उनके लिए। एग्जाम्पल जयललिता की बात करके चलता हूं, उन्होंने राज किया अपने थ्रू आउट टाइम के अंदर, क्यों, क्योंकि उन्होंने
कॉन्टिन्यूस ब्रांडिंग के ऊपर काम किया, लोगों का सुना, लोग उनको अपनी माँ मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि उन्होंने सबके लिए काम किया। आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज ये चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है, और जो पार्टीज नहीं जीती वो क्या कर सकती है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकती है। जो अभी करेंटली मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है, अगेन मैं 70 सीटों की बात करके चल रहा हूं, जो एक सीट के अंदर जो कैंडिडेट अगली बार खड़ा होने वाला है, आपको अभी से क्लियर करना पड़ेगा कौन खड़ा होगा। अगर वो अभी से ही मार्केटिंग करेगा, अभी से ही लोगों के पास जाएगा, उनकी प्रॉब्लम समझेगा और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, उनका नेता बनेगा असली वाला, तो अल्टीमेटली आप देखोगे अगली बार उनको वोट मिलने लग जाएगा। आपको सेंटर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको मास मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको रीजनल मुद्दों को समझना पड़ेगा। जो मैं अगर मैं बात करके चलता हूं, बीजेपी जो जीतती है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनने की बात करके चलूं, तो वो क्यों जीतती है? क्योंकि वो रीजनल मुद्दों के ऊपर काम करते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर काम करते हैं। पर मेरे को दिल्ली इलेक्शन में ये चीज दिखाई नहीं दी गई, यहां पर सिर्फ मास मार्केटिंग करी गई गलत तरीके से। अब मार्केटिंग करनी कैसे है, दोनों की बात करके चल रहा हूं, जो जीत चुका है जो हार चुका है, मैं मार्केटिंग करने का तरीका बता रहा हूं करना कैसे है। मार्केटिंग आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो उसको पूरा रिकॉर्ड करना है, वीडियो की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर। उसके बाद आपको उसी लोकल एरिया के अंदर मार्केट करना है। उसको कैसे करोगे? एड्स चला के, सोशल मीडिया पे एड्स चला सकते हो, सिर्फ एक रीजन को टारगेट कर सकते हो। अगर मैं मान लो रोहिणी के अंदर रहता हूं और मैं रोहिणी के लोगों को, कुछ भी काम करता हूं रोहिणी के अंदर, और मैं रोहिणी के लोगों को ऐड दिखाता रहूं, देखो मैंने आपके लिए ये किया, देखो मैंने आपके लिए ये किया, देखो मैंने आपके लिए ये किया, भाई डिफॉल्ट में उनके दिमाग में घुसना शुरू हो जाऊंगा। और जब पता लगेगा कि जो खड़ा हो रहा हूं वो मैं ही हो रहा हूं, तो आप मुझे पहले से ही जानते होंगे, मैं एक फेमिलियर फेस होऊंगा आपके दिमाग में होगा, हाँ भाई अच्छा काम करता है, तो इसी को वोट देना चाहिए। हर बंदे को अच्छा काम चाहिए, किसी को ये नहीं चाहिए कि भाई वो बंदे की शक्ल अच्छी है मैं इसलिए उसको वोट दूंगा। हर बंदे को चाहिए कि अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूं तो वो मेरे लिए अच्छा काम करे। तो अगर आपने दिमाग में ये ब्रांडिंग कर दी कि अच्छा काम करेगा तो काम होगा। एक जो प्रॉब्लम देख रहा हूं स्टार्टिंग में, ये जो कॉलिंग सर्वर्स आएंगे, जो फोन करते थे आपको, हाय मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, उस टाइम पे बहुत बढ़िया थे मेरे हिसाब से, क्योंकि एक नई चीज थी, थोड़ा यूनिक भी लग रहा था। पर अब क्या हो रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है और एक तरह से स्पैम कर रहे हैं। स्पैम का मतलब क्या होता है, आपने अगर एक यूजर को कॉल किया, उसने उठाया, आपने उसको मैसेज कन्वे किया, बात खत्म। अगर आप उसको कन्वे करने के बाद भी 10 बार रिपीट करते हो ना, तो वो इरिटेट होने लग जाता है। तो यहां पे आपकी नेगेटिव ब्रांडिंग होती है। तो कॉलिंग सर्वर का ढंग से तरीके से यूज नहीं किया गया इस बार मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बंदों के बार 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 कॉल्स आ रहे थे। मैं सुनता तो भी आते हैं, मैं काटता तो बैक टू बैक कॉल आते, मैं काटता फिर एक और कॉल, काटूं फिर कॉल, मेरे को लगा कोई अर्जेंट ना हो, कोई और बंदा ना हो, इसलिए मैंने उठा के देखा, तो पता लगा फिर वही मैसेज आ रहा है। तो इससे तो मेरे दिमाग में एक नेगेटिव ब्रांडिंग क्रिएट हुई। एक चीज और करनी पड़ेगी जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप जीते हो चाहे हारे हो, आपको वीकली या फिर मंथली लाइव आना होगा। लाइव इन द सेंस, जो आजकल पंडाल लगते हैं ना, जब भी आता है भाई हम आ रहे हैं, हम आपके साथ ये कर दें, वो कर देंगे, वो कर दें, पहले थ्रू आउट क्यों नहीं होता? जैसे कि 4 साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो 12 महीने हैं हर साल के अंदर, तो आपको हर साल 12 बार अलग अलग जगह पे कैंपेन करने हैं। कैंपेन इन द सेंस, आपको वहां पे लोगों से मिलना है। मैं ये नहीं कह रहा टेंट शेंट लगाने ये कुछ करना है ये करना है, नॉर्मल पार्क के अंदर आप मिल सकते हो, वहां पे आप लोगों से मिलो, उनकी प्रॉब्लम को समझो कि उस एरिया की प्रॉब्लम क्या आ रही है, और उस पूरे महीने उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश करो, और जो भी आप रिजोल्व कर रहे हो उसकी थ्रू आउट वीडियो बना के डालते जाओ। अब जो आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां पे भी आप आ रहे हो उसको लाइव करो, लाइव यूट्यूब पे लाइव कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो फेसबुक बाकी प्लेटफॉर्म पे भी लाइव कर सकते हो। तो यूट्यूब पे करनी है हमको मार्केटिंग, फेसबुक पे करनी है हमको मार्केटिंग, और जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे ऐड हो रहे हैं हम उनको भी वो वीडियो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। स्पैम नहीं करना, इस तरीके से मार्केटिंग करनी है मेरे हिसाब से। और यहां पे कोई हमने गंदी मार्केटिंग नहीं करी है, हमने कोई देश को बांटा नहीं है, हमने कोई इकोनॉमी को खराब नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। जिसकी जो प्रॉब्लम थी हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। अगर मान के चलो मैं कहीं का विधायक बना और मुझे 20 करोड़ रुपए अलॉट हो गए, तो मुझे बताना पड़ेगा कि देखो 20 करोड़ में से इतना तो मैं इसमें लगाने वाला हूँ, इतना मैं इसमें लगाने वाला हूँ, इतना मैं इसमें लगाने वाला हूँ, ताकि मेरी ऑडियंस को भी क्लियर है कि कहाँ पे क्या क्या लगाना चाहिए। जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप, जो मिल रहे हो, जो लाइव मीट एंड ग्रीट कर रहे हो हर महीने का, वहां पे हमको आप चिट्ठा बताओ कि हमने आपके लिए ये किया इसके अंदर। अभी क्या हो रहा है, पूरे सेंटर के ऊपर बात होती है, मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, केजरीवाल गवर्नमेंट ने क्या किया, हमको अपने विधायक का जानना है उसने क्या किया। इस लेवल पे काम करोगे
कोई जिंदगी भर आपको नहीं हिला सकता, मजाक नहीं कर रहा। और अगर आपसे नहीं होता तो कॉन्टैक्ट लापास, हमारी कंपनी कर सकती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं काम, गलत कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि पीछे से ऑर्डर ही आता था। अगर आप लापास को कॉन्टैक्ट करते हो तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे स्ट्रैटेजी को और कॉन्टिन्यूस आपकी ब्रांडिंग करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। और अगर आपकी जान पहचान में कोई भी पॉलिटिशियन है जो कि बनना चाहता है या फिर करेंटली किसी पार्टी के अंदर है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता लगे असली मार्केटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।